अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और मैं ये आपके लिए एक होंडा 2000 लाया हूं। ये फॉर सेल है। अभी मैं आपको ना इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं। ये गाड़ी मुकम्मल मॉडिफाइड है और इसमें आप देख रहे होंगे कि पीछे एक जीटी विंग डला हुआ है और गाड़ी का ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये पेपर है इसके ऊपर। बाकी गाड़ी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप देखें कि थोड़ा बहुत आगे इन्होंने आफ्टर मार्केट ग्रिल डाली हुई है होंडा की और आगे आप देख रहे हैं कि फोग लाइट्स भी डाली हुई हैं और नीचे एक लिप भी लगाई हुई है जो बॉडी किट में आती है। और फेंडर पे आप देखेंगे इशारे भी आफ्टर मार्केट डाले हुए हैं। गाड़ी के रिम भी आप देखें, बहुत अच्छे रिम डाले हुए हैं। कलर इनका थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है और ये भाई बता रहे हैं जिनकी गाड़ी है कि ये कलर इसको दोबारा करवा रहे हैं, रिमों को जो है दोबारा कलर करवा रहे हैं। आप गाड़ी देखें, गाड़ी में मुझे तो किसी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आई। और पीछे जो लाइटें हैं इसकी वो भी आफ्टर मार्केट हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आफ्टर मार्केट लाइटें डली हुई हैं और बम्पर पे भी लाइट डली हुई है। जो होंडा के रेसिंग मॉडल्स आते हैं उनमें ये बम्पर में लाइट डली हुई होती है। दोस्तों इस गाड़ी में फायर किट भी लगी हुई है और वो एक बटन के साथ है। आप जब भी बटन ऑन करेंगे तो पीछे जो इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट वाली जगह से एक फ्लेम निकलेगा और बहुत बड़ा फ्लेम होता है। मैं उसकी तस्वीरें भी साथ अटैच कर रहा हूँ, देखिएगा आप। तो ये गाड़ी अंदर से भी बहुत प्यारी है, आप देखें इसको। ये इसमें जीटी विंग डला हुआ है और स्टिकरिंग भी अच्छी हुई हुई है। छत को ब्लैक किया हुआ है और अभी ये इस टाइम ना इस गाड़ी में कोई नीचे लाइटें लगवा रहे हैं। तो ये भाई जो गाड़ी के अंदर घुसे हुए हैं ये लाइटें लगा रहे हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी का थोड़ा इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो इसका स्टेरिंग है। स्टेरिंग आप देखें कि मोमो का डला हुआ है, डीप डिश स्टेरिंग है। अंदर मीटर्स मुकम्मल तौर पे तमाम हर चीज़ इसकी चालू है और गेजेस भी तकरीबन सारी लगी हुई हैं। आप देखें एलसीडी भी साथ एक लगी हुई है। अंदर इंटीरियर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर इन्होंने बनाया हुआ है। आप देखें इस गाड़ी का इंटीरियर, मज़ा आ जाएगा आपको इंटीरियर देख के इस गाड़ी का। और ये सनरूफ के साथ है, आप देखें इसका सनरूफ भी है। और गाड़ी जब आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। और कुछ ज़्यादा काम इस पे अगर जो लोग मॉडिफाई गाड़ियाँ पसंद करते हैं तो उनके लिए है कि उनको कुछ ज़्यादा काम इसके साथ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत वो अपनी मर्ज़ी की जो कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कर लेंगे। अदरवाइज़ गाड़ी मॉडिफाई गाड़ी के हवाले से मुकम्मल है। और D17 इसके अंदर इसका इंजन डला हुआ है, बिल्कुल ठीक इंजन है और बहुत अच्छी पिक के साथ है। तकरीबन 200 का मीटर मारती है ये गाड़ी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत शानदार है। और अभी जो इसके ऑनर हैं उससे भी आपकी बात करवाते हैं और आपको सुनवाते हैं कि ये इसका सनरूफ है, आप देखें। तो गाड़ी में मुझे तो किसी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आई। इंजन भी बिल्कुल सही है, ये बोनट में इन्होंने स्पेसर भी डाले हुए हैं, तो गाड़ी में मुझे किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। तो अब देखें इस गाड़ी को, ये इसका फ्रंट है। फ्रंट में थोड़ा जो बम्पर में है थोड़ा बहुत काम होने वाला है, पेपर लगने वाला है, कुछ ज़्यादा काम ये भी नहीं है।
तो अभी इस गाड़ी के जो ऑनर हैं हसीब भाई, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ, देखते हैं वो क्या आता है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई। हसीब भाई, ये गाड़ी आपकी है? जी जी मेरी। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी बनाई हुई है, मैंने गाड़ी को देखा है, गाड़ी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल लग भी रहा है कि आपने शौक से रखी हुई है। और आजकल जो मॉडिफाई हो रही हैं गाड़ियाँ, उस में हर चीज़ आपने इसको करवाया हुआ है, जीटी विंग भी डलवाया हुआ है, इंजन भी अच्छा है, रिम भी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ लो भी करवाई हुई है। हाँ बिल्कुल। तो हसीब भाई, अब इसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आप कोई थोड़ा गाड़ी के बारे में भी बता दें और थोड़ी डिमांड भी बता दें। गाड़ी टोटली ओके है, हर आने वाले दिन में कुछ ना कुछ, अब नीचे आज मैं जैसे लाइटें लगवा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसको अपग्रेड करते रहते हैं विद द टाइम, ताकि मज़ा आता रहे, चेंज आता रहे लाइफ में। और जो डिमांड है वो एक्चुअल में गाड़ी के पैसे ज़्यादा लगे हुए, तो मैं 9.5 डिमांड कर रहा हूँ, बाकी लड़सी ओके। क्या कहते हैं कि जो भाई आपसे अगर गाड़ी लेगा तो इसको इंजॉय करेगा? डेफिनेटली इंजॉय करेगा सर, हेड टर्नर है, जो जहाँ से मुड़ेगा बंदा मुड़ के देखते हैं, यही मज़ा आता है, मतलब ये ज़िंदगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि गाड़ी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और फिर सिविक है, होंडा सिविक है, होंडा सिविक का लग्जरी में एक अपना नाम है, और बनी हुई गाड़ी हो, बहुत अच्छी बनी हुई हो, तो डेफिनेटली लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। दोस्तों, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर साथ दे रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं गाड़ी आपको दिखा भी सकता हूँ। और अगर आप पाकिस्तान में किसी जगह से भी हैं तो ये गाड़ी आपको वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। तो दोस्तों, गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का भी इजहार करें कि ये गाड़ी कैसी है। थैंक यू।